अयोध्या के प्रमुख साधु संत मंद है, वो उद्धव जी को कल आशीर्वाद देंगे। जो 3 बजे वाला जो कार्यक्रम लक्ष्मण किला में है, उसी सिलसिले में हम लोग वहाँ अब जा रहे हैं। सबको निमंत्रण गया है, सभी ने आने के लिए हाँ कहा है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ बात है। बस उद्धव जी के 3 कार्यक्रमों की तैयारी में कर रहा हूँ। लक्ष्मण किला जो है वहाँ जो कार्यक्रम है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अयोध्या के सभी प्रमुख साधु संत संस्थाएँ एक साथ आकर उद्धव जी को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से वो सीधे जाएंगे 6 बजे सरयू घाट पर, वहाँ आरती करेंगे। बाद में 25 तारीख को उद्धव जी रामलला का दर्शन करेंगे। ये 3 प्रमुख कार्यक्रम शिवसेना की तरफ से हो रहे हैं। तैयारी तो है, अगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, उसका मैसेज, उसका संदेश देश को, सरकार को, हिंदू समाज को साफ है कि हम राम मंदिर निर्माण के बारे में ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। 4 साल में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, आपने किया नहीं। अध्यादेश निकालो और राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करो, ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की भूमिका है। हम कभी राम मंदिर निर्माण का राजनीतिकरण नहीं किया है, हम नहीं चाहते कि उसकी राजनीति हो और ना करेंगे। हम राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, ना मांगे हैं कभी। ये सरकार बनाने का मौका दीजिए, फिर मंदिर बनाएंगे। बार बार हमें ये सरकार बनाने का बार बार ये सरकार बनाने का मौका हमें मिला है, मंदिर नहीं बना। अब 2019 में अगर हम वापस जाएंगे कि हमें बहुमत दीजिए, मंदिर बनाएंगे, नहीं, पहले मंदिर फिर सरकार।